बिहार में बक्सर के पास हुए रेल हादसे के 24 घंटे बीत जाने पर भी इस ट्रैक पर, इस रेलवे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दानापुर रेलखंड के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ था। 11 अक्टूबर की रात हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें 20 लोग गंभीर घायल थे। जो लोग गंभीर घायल हैं उन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया गया था, वहां उनका इलाज चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के 24 घंटे बाद भी, यानी 12 अक्टूबर की रात तक का यह अपडेट है, इस समय तक भी इस मार्ग पर रेलवे यातायात पूरी तरह ठप था। यहां पर ट्रैक की सफाई का काम, तमाम मलबा वहां फैला हुआ था उसे हटाने का काम लगातार जारी था। रेलवे के जिम्मेदारों का कहना है कि पहले अप मुख्य लाइन को शुरू करने की कोशिश है, इसलिए इस रेल लाइन को कम नुकसान हुआ है, जबकि डाउन मेन लाइन पर करीब 1 किलोमीटर तक की ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए अप वाली लाइन को साफ करके दोबारा वहां पर शुरू कराना ज़्यादा आसान है, इसलिए फोकस उसी पर है। लेकिन फिर भी 12 अक्टूबर की रात तक यहां पर रेलवे यातायात पूरी तरह ठप था, ट्रैक की सफाई का काम, मरम्मत का काम जारी था। दरअसल रेल हादसा होने से यहाँ पर तमाम बोगियों का मलबा तो फैला ही है, ट्रैक को भी क्षति पहुँची है, इसके अलावा हाई टेंशन लाइन और लगाए गए खंभों को भी नुकसान पहुंचा है। रेलवे ने यहां पर एक बार फिर से ट्रैक चालू कराने और रेल यातायात दोबारा सुगम तरीके से चालू कराने के लिए रेल क्रेन, रोड क्रेन के साथ ही कई अर्थ मूवर और पोकलेन मशीनों के जरिए काम शुरू किया है। गैस कटर के जरिए कोचों को काट काट कर यहाँ से हटाया जा रहा है। इसके बाद ट्रैक की मरम्मत की जाएगी, खंभे वगैरह दुरुस्त किए जाएंगे, तब जाकर इस पर पहले की तरह सुचारू रूप से ट्रेन चल सकेंगी। बता दें कि 11 अक्टूबर की रात में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई थी। यह हादसा बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे जंक्शन के पास हुआ था। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार को सुबह 7:40 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या के लिए चली थी। इसी बीच बुधवार की रात ट्रेन बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी की तमाम बोगियाँ एक एक कर पटरी से उतर गई थी। ट्रेन के गार्ड का जो बयान सामने आया था उसमें प्रथम दृष्टया यही बात समझ आ रही थी कि ड्राइवर ने किसी वजह से अचानक ब्रेक लगाया था, जिसकी वजह से कई बोगियां पटरी से उतर गई थीं। ब्रेक क्यों लगाया था इसकी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक कोई कारण सामने नहीं आए हैं, इसीलिए जब इस पूरे मामले की जांच हो सकेगी तभी यह कारण पता चल सकेगा कि हादसा क्यों हुआ, और ट्रेन के ड्राइवर को अगर ब्रेक लगाना भी पड़ा इमरजेंसी में तो वो क्यों लगाना पड़ा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।